हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के अंदर अपकमिंग एग्रीकल्चर वैकेंसीज कौन कौन सी आएंगी, नेक्स्ट सीटी कब तक होगा, एंड हरियाणा एडीयू और फसलों की क्या अपडेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो आपकी गवर्नमेंट बनने जा रही है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी वो दोबारा से सरकार बनाएगी, एंड सीएम आपकी सब पता है क्योंकि 15th या 17th को लेंगे, तो उसके बाद आपके जो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है वो भी अलॉट हो जाएंगे, एंड उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर बात करें जो मेजर पोर्शन है एग्रीकल्चर जॉब्स का, वो हरियाणा के अंदर एडीयू में ही रहेगा। जो स्टूडेंट हरियाणा एडीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आगे जो प्रिपरेशन करेंगे, तो आपकी वैकेंसीज बहुत ही जल्दी प्रोसेस में आएंगी। हो सकता है जैसे ही आपके जो मिनिस्टर शपथ लेंगे उसके बाद इनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। सेम आपका एफएसओ का है। एंड बात करें अपकमिंग सीईटी के बारे में, तो आपका नवम्बर या फिर दिसंबर में आपका सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। चांसेज है कि आपकी जो 4 टाइम्स का प्रोविजन है उसको 12 टाइम्स किया जाए, उसमें अमेंडमेंट होंगे। बट अगर नहीं होता तो पी वन की तरफ 70 स्कोर आपको करना पड़ेगा एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए। लाइक जो आपकी अपकमिंग पोस्ट है उसके अंदर एक आपकी एक सेकंड एफिड इंस्पेक्टर की पोस्ट आपकी, जिसमें एग्रीकल्चर कैंडिडेट एलिजिबल हो सकेंगे, देन एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की पोस्ट में आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद आपकी जेई की दोबारा से पोस्ट आएंगी एंड सुपरवाइजर, ये वाली पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा आपकी अलग जो डिपार्टमेंट है लाइक डेयरी डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिल सकती है, एंड जितनी भी आपकी जैसे ग्राम सचिव पटवारी, तो उसमें भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। लाइक एलिजिबल तो है ही, बट आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा अगर 4 टाइम्स का प्रोविजन होता है। एंड ट्राई करो अपना जो हरियाणा जीके है कंप्यूटर, उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि दिसंबर से पहले पहले तो लोग कंडक्ट होने की कोशिश करें। 31 दिसंबर उसको आप डेडलाइन मानो, एंड अगर कुछ नहीं आता तो आप अगेन जितनी वीडियोज यूट्यूब पे उनको रेफर कर सकते हैं। एंड एडीयू की स्पेशली बात करें तो वही आपका प्री मेंस और इंटरव्यू का पैटर्न फॉलो होने वाला है। मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है, तो उसमें प्री भी आपका ज्यादा फोकस रहेगा, एंड वो पोस्ट आपकी हो सकता है इसी ईयर देखने को मिले, बिकॉज अभी इलेक्शन हुए हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, एंड एकदम से गवर्नमेंट हो सकता है एक्शन मोड में ना भी आए। एंड चांसेस हैं कि कई बार जैसे जैसी सरकार बनती है तो नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, बाकी 1-1.5 साल बाद आपके एग्जाम होते हैं। बट अभी एचपीएससी की बात करें स्पेशली, तो कैलेंडर वाइज ही काम करता है। लाइक आज अगर फॉर्म फिल हो चुके हैं तो उसके 10 दिन बाद कैलेंडर आ जाएगा कि इन इन पोस्ट का इसी दिन एग्जाम होगा। तो जैसे जिस दिन आपके फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो उससे आप 2 से 2.5 महीने का मैक्सिमम टाइम मान के चलो, ठीक है। सो पॉजिटिव रही यार, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। बाकी जो भी डाउट आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर के बच्चों में लग रहा है कि पोस्ट नहीं आएंगे, डेफिनेटली आपकी 42 to 46 पोस्ट इसी ईयर आएंगी, ठीक है। वो कम्प्लीट कब हो वो देखने को अभी वेट करना पड़ेगा। एंड जो आपकी सॉइल कंजर्वेशन के अंदर एडीयू की पोस्ट है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा, उसके बाद ही उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसमें थोड़ा ओवर टाइम लग सकता है। अदर देन दैट, आप जो एच के आर एन की पोस्ट है उसमें भी फिल कर सकते हैं। लाइक रेगुलरली आप उनको अपडेट करते रहे, ठीक है, तो उसमें भी कई बार आपकी जेई वगैरह की चीफ सर्टिफिकेशन की पोस्ट आती है। तो जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए डेफिनेटली अभी पोस्ट आने वाली है, ठीक है, क्योंकि जैसे एफ सी आई की जॉब है उसमें आप जा सकते हैं, VAG3 की पोस्ट आएंगे। इस वीडियो में इतना, क्योंकि काफी स्टूडेंट के डाउट थे कि आई डी की पोस्ट आएंगी नहीं आएंगे कमिंग सीटी का बवा। इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने आपको जितनी भी अपडेट थी वो शेयर करने की कोशिश की। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।